हर दिन की तरह हम आज भी आपके लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आए हैं फास्ट मनी में। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल क्यूज के साथ। आशीष, कैसे लग रहे हैं आपको अंतरराष्ट्रीय संकेत? कुशल, समझने के लिए सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं, यहाँ से कैसा रुझान देखने को मिल रहा है। और रोज की तरह यहाँ से भी आज काफी सपाट रुझान है, लेकिन देखिए 28 अंकों की बढ़त है, 12200 के ऊपर चल रहा है, 12221 के स्तर पर। तो यानी यही इंडिकेशन है कि कल की जो अनएक्सपेक्टेड गिरावट थी एक्सपायरी के दिन, हो सकता है कि वहां से हम थोड़ा सा बाउंस ले सके हैं। लेकिन अमेरिकी बाजार में कुशल मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, सिलसिला लगातार हम तो रोज यही बोल रहे हैं कि वहां पर रिकॉर्ड स्तर छुए जा रहे हैं। अमेरिकी बाजार जो है काफी तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, डाउ जोन्स को 28,600 के लेवल्स पे देखना। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 28,000 के लेवल्स पे अराउंड ट्रेड कर रहा था, और आप देखिए 600 पॉइंट का उछाल अब तक हमें देखने को मिल चुका है पिछले एक डेढ़ हफ्तों में। तो 106 पॉइंट की बढ़त अमेरिकन मार्केट में आपको डाउ जोन्स में स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है। साथ ही अगर मैं ओवरऑल यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो वो तो कल छुट्टी की वजह से बंद था, तो वहां पे कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। फिर लेकिन कच्चा तेल, यहां पर आशीष हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कच्चे तेल का जो अभी कीमत चल रही है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई दिख रही है, $68 के पार पहुंच गया है ब्रेंट क्रूड। तो ये एक चिंता का विषय भारतीय बाजारों के लिए आगे आने वाले समय में बन सकता है। यानी क्रूड को छोड़ दे तो बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय संकेत तो ये इशारा कर रहे हैं कि कल की गिरावट के साथ एक हल्का सा बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन कुशल, आज की सूची के साथ शुरुआत करें इससे पहले देख लेते कि कल जो ऐसे वॉलेटाइल बाजार में हमने आपको 20 स्टॉक बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला, एक ट्रेडिंग चेक ले लेते हैं। मैंने देखिए ONGC में खरीदारी करने को कहा था, वहां पर एक बाउंस एक्सपेक्टेड था, एक बढ़िया तेजी ब्रेकआउट होने की उम्मीद थी, और उसका असर आपको देखने को मिला। आखिरी एक घंटे में देखिए स्टॉक लगभग 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल पर शॉर्ट करने की सलाह थी, दिन के दौरान ये स्टॉक गिरावट के साथ बंद हुआ, और हिडलबर्ग सीमेंट में तेजी की उम्मीद थी और यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। एवेन्यू सुपरमार्ट्स में ब्रेकआउट होने की आकांक्षा थी लेकिन वो हुआ नहीं इतना, और सिर्फ 1% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। कुछ और भी स्टॉक थे आपकी तरफ से, और मैंने भी आपको एस्टेक लाइफ साइंसेस बताया था जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और आखिरी सत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिली। चलिए आशीष, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा आपका कल के सत्र में। मैंने भी कुछ स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए थे जो कुछ एक परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें आप सेल देखिए करीब 3.5% की बढ़त यहाँ पे दर्ज हुई। टाटा स्टील, ये दोनों मेटल काउंटर में अच्छा परफॉर्मेंस आता दिखा। इसके अलावा NTPC में भी तेजी उम्मीद थी, आखिरी आधे पौने घंटे में काफ़ी अच्छा स्पाइक, इसमें 2.25% की तेजी बनती हुई नजर आई। इसके अलावा रामकृष्ण फोर्जिंग्स, यहाँ पर भी जो पॉजिटिव फंड एक्शन आया उसमें उसकी वजह से भी इंट्राडे में 2.5% की तेजी थी। साथ ही रिटेल सेक्टर मैंने आपको बताया था कल फोकस में रहेगा, तो AB फैशन और V2 रिटेल, इन दोनों स्टॉक में 1.5 से 2% की तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। और नेलकस अपने लक्ष्य हासिल करते हुए नजर आया, करीब 3.5% की तेजी इंट्राडे में यहां पर भी देखी गई। तो काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला ऐसे उतार चढ़ाव वाले बाजार में भी। लेकिन कुशल, आज की सूची पर फोकस करते हैं और क्या लग रहा है, आज क्या रुझान है, कितने स्टॉक्स खरीदारी के, कितने बिकवाली के? आज भी मेरे सारे के सारे स्टॉक्स बाय साइड पर ही है कल जैसे थे। कुशल बिल्कुल, मोमेंटम भी इतना स्ट्रांग है कि बाय साइड पे रहना ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और अब एक लगातार हम काफी दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं कि उम्मीद है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। मैं अपनी सूची के बारे में बता दूं, मेरे पास जो है 9 स्टॉक्स खरीदारी के, एकमात्र एक स्टॉक ऐसा है जहां पर बिकवाली करने की सलाह होगी। तो आज आपका बाई साइड पर रुझान आ गया है, कल आपका मिक्स था करीब करीब, मतलब 4 स्टॉक्स आपने सेल दिए थे और 6 बाई दिए थे जी। तो आज आपका बाई की तरफ रुझान दिख रहा है, आज ज्यादा दिख रहा है। शुरुआत कर लेते हैं, और एक खास सेक्टर है कुशल, में बाजार देख रहा था कल और कल रात को चार्ट्स भी देख रहा था, तो एक सेक्टर बहुत पॉपअप कर रहा था सभी गेनर्स में, एक काफी सिमिलर सेक्टर का नाम देखने को मिल रहा था, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। बिल्कुल, कल के सत्र में काफी अनएक्सपेक्टेड मूव था, और आप ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स देखना तो आखिरी एक घंटे में एकदम शूट अप कर गए थे। मुझे लग रहा है ना कि कुछ न कुछ तो है, या तो कुछ बेनिफिशियल आने वाला है इनके लिए, या फिर कुछ तो ऐसा मोमेंटम बना हुआ है जिसके चलते यहाँ पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। आज एक सेफ बेट हो सकता है कि आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चले, इसी उम्मीद से कि कल का जो स्पाइक था वो आज भी कंटिन्यू होते नजर आएगा। RCF को मैंने चुना है, यहाँ पर 47.80 रुपए की रक्ष के लिए आपको खरीदारी करनी है, 45.70 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही GSFC, ये भी एक स्टॉक है जो मेरे रिडार पर कल आ गया, गेनर्स में देख रहा था मैं स्टॉक को, और चार्ट पैटर्न्स भी देख के ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से अगर और तेजी हो तो इसकी कोई हैरानी नहीं होगी। इसके लिए स्टॉक को मैंने चुना है, 72 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 68 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
चलिए मेरी सूची को शुरुआत करते हैं। इसमें पहले जो दो कॉल्स हैं वो दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिसमें पहला SBI खरीदारी का कैंडिडेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स काफ़ी दिख रही हैं। अभी तो ये खबर आती हुई नज़र आई है कि RBI जो है वो 10,000 करोड़ रुपए की OMO परचेज करेगा, बॉन्ड बाइंग करेगा मंडे को, तो कहीं ना कहीं इन बैंकों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा एक और खबर आई है जिसमें जो भी इनका इंश्योरेंस कंपनियों में स्टेक है, जैसे SBI लाइफ में SBI का करीब 57% हिस्सेदारी है, वहाँ पर अब खबरें ये आ रही हैं कि FY 2021 तक यानी अगले वित्तीय वर्ष तक इनको ये 30% करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हिस्सेदारी बेचेंगे उसमें तो SBI को पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही कल FM की ये बैठक है सरकारी बैंकों के साथ, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एंटायर पैक के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। तो SBI में आपको खरीदारी कर चलनी है, 340 का लक्ष्य रखना है, 325 का स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। इसके अलावा इसी तर्ज पर आपको कैनरा बैंक भी खरीद कर चलना है। यहाँ पर भी इन तीनों खबरों का असर आपको नजर आता हुआ दिख सकता है कैनरा बैंक पर, तो इसको भी आप खरीद कर चले 226 के लक्ष्य के साथ और 217 का स्टॉप लॉस बनाइए। अगला स्टॉक है मेरी सूची में GNFC। यहाँ पर भी देखिए कि एक सारा फर्टिलाइजर स्पेस है, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम रुझान दिखा रहा है, तेज़ी देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट हो चुका है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। कल के सत्र में तेज़ी थी, आज भी उम्मीद है कि तेज़ी देखने को मिलेगी। GNFC में खरीदारी करेंगे 184 रुपये के लक्ष्य के लिए, 172 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, आपको 168 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही गोदरेज इंडस्ट्रीज मुझे लग रहा है जल्दी बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पैटर्न काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी आप देखें तो ब्रेकआउट हो चुका है, और दिन के दौरान अगर पूरा ओवर मार्केट ब्रेथ जो है पॉजिटिव रहती है तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र में भी देखिए एक मामूली 0.5% की तेजी देखने को मिली थी, मुझे लग रहा है कि आज भी ये स्टॉक है ना कुछ ना कुछ दमखम दिखाएगा, 3-3.5% तक ये स्टॉक जा सकता है। 433 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 418 रुपए का आपको सेफ साइड स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए मेरी सूची में अगला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर आपको खरीदारी की राय है क्योंकि LIC जो है उसने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है और बढ़ाकर 11.81% की कर दी है, तो 2% की हिस्सेदारी का स्पाइक हुआ है इसमें, तो कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट्स जो है फोकस में रह सकता है। 8 से 23 दिसंबर के बीच ये खरीदारी की है, तो 373 रुपये का लक्ष्य रखिए इसमें और 360 का स्टॉप लॉस बनाइए। इसके अलावा एक और स्टॉक HDFC AMC पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलनी है क्योंकि सिटी की इस पर रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने टारगेट जो है 3200 से बढ़ाकर अब 3480 के कर दिए हैं, तो लगभग 10% का इन्होंने टारगेट अपसाइड किया है और वो आगे आने वाले समय में अर्निंग्स एस्टिमेट जो है वो 3-4% की बढ़त उसमें और एडिशनल मान के चल रहे हैं। साथ ही इनका जो इक्विटी सेगमेंट है उसमें काफी अच्छी बढ़त आने की उम्मीद है, ऐसा सिटी मानकर चल रहा है, तो HDFC AMC पर भी खरीदारी करिए, 3288 का लक्ष्य रखिए और 3190 का स्टॉप लॉस। पांचवा स्टॉक है मेरी सूची में वोखार्ट, इसमें खरीदारी करनी है लेकिन बहुत कॉशियस तरीके से, केवल इंट्राडे के बेसिस पर होगा। ये स्टॉक को मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसमें ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैंने सुझाया यहाँ पर 245 का, यानी क्लोजिंग जो है कल की उससे केवल 5 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस आप लगाकर यहाँ पर एक लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, रिवर्सल पैटर्न है वो भी लंबी गिरावट के बाद, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है कि आज के सत्र में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। कल करीब 2.5% चला था, इंडिकेटर्स भी सपोर्टिव हैं, हालांकि ट्रेंड अभी भी इतना नहीं है। ADX के साथ मैंने इसका वेरिफिकेशन किया, ADX अभी भी ट्रेंडिंग में 26 के ऊपर नहीं आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है कि ये ट्रेंड जो है पिकअप करते हुए नजर आए और जो रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आज क्योंकि बाजार में ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, 260 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और याद रखिए केवल 5 रुपये नीचे 245 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए पांच स्टॉक्स में मेरा आखिरी स्टॉक है आज का डिक्सन टेक, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है क्योंकि MK जो ब्रोकरेज हाउस है उसने अपने टारगेट्स जो हैं वो करीब 24% से बढ़ा दिए हैं और अब टारगेट जो नया सुझा रहे हैं वो 4475 का सुझा रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी सस्टेनेबल है और काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पर आपको फोकस इस वजह से आज रखना है। कल के सत्र में भी आप देखेंगे तो ये चढ़ता हुआ नज़र आया था जबकि बाजार जो है वो काफी गिरावट के साथ बंद हुआ था, तो 4034 के लक्ष्य के साथ आप इसमें खरीदारी कीजिए और 3875 का स्टॉप लॉस बनाइए।
तो चलिए जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। हमने आपको 10 स्टॉक्स बता दिए थे, मैंने अभी तक आपको पांचों स्टॉक्स खरीदारी के बताए। शुरुआत की थी मैंने फर्टिलाइजर स्टॉक्स के साथ, आरसीएफ, जीएसएफसी और जीएनएफसी। कल तेजी दिखाई गई थी स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट हो चुका है, आज भी तेजी जारी होती नजर आएगी। गोदरेज इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, यहाँ पर 433 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और पांचवा स्टॉक है वो कार्ट, मेरी सूची में यहाँ पर केवल 5 रुपए नीचे 245 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप 260 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। चलिए मेरी सूची में पहले जो दो स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, SBI और कैनरा बैंक। कल FM की बैठक है और साथ ही RBI जो है वो 10,000 करोड़ के OMO सोमवार को करेगा, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी इन दोनों बैंक्स में देखने को मिल सकती है। साथ ही LIC ने अदानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी 2% तक बढ़ाई है, तो इस वजह से ये फोकस में रह सकता है। इसके अलावा HDFC AMC पर सिटी की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 10% इन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं, तो ये फोकस में रह सकता है। और अंत में डिक्सन टेक, यहाँ पर भी MK जो ब्रोकरेज हाउस है उसने 24% अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं डिक्सन टेक भी इसी वजह से फोकस में रह सकता है। तो चलिए सूची को आगे बढ़ाते हैं और मेरी अभी भी सूची में खरीदारी वाले स्टॉक्स होंगे। और कुशल, दो शुगर स्टॉक्स हैं जो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पसंद आते हैं टेक्निकली, एक बलरामपुर चीनी और दूसरा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। बलरामपुर चीनी को आज मैंने इसके लिए नहीं लिया क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, लेकिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग में अभी भी ऐसा लगता है कि पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी जो है अपसाइड नज़र आती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से कि आज के सत्र में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ पर 68 के आसपास की क्लोजिंग है, आप 72 रुपये के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और जब भी इसमें वॉल्यूम्स आते हैं तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तेज़ी दिखा देता है ये स्टॉक, और यहाँ पर करीब 67 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक है कावेरी सीड, यहाँ पर खरीदारी करनी है क्योंकि यहाँ पर एक खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी को जो बायबैक है उसकी मंजूरी मिल गई है और ये करीब 700 रुपये के भाव पर बायबैक करने जा रहे हैं। इससे पहले भी एक दो बार मैंने स्टॉक को चुना है फास्ट मनी में और मुझे लग रहा है क्योंकि एक ओवरऑल पैटर्न भी आप देखें तो लंबी गिरावट के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, साथ ही अब बायबैक की खबर आ रही है, तो ऐसे बाजार में एक सेफ बेट होगा। आज के सत्र में आप करीब 2.5 से 3% का अपूव यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी होगी और करीब 6 रुपये नीचे 472 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए मेरी सूची को भी आगे बढ़ाते हैं जिसमें नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इलाहाबाद बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक ये भी है और ये भी पसंद आ रहा है। OMO की तो खबर है ही, साथ ही सरकार जो है वो करीब 2100 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करेगी इलाहाबाद बैंक में, तो कहीं ना कहीं बैंक के जो कैपिटल फंड्स है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है, 18.50 रुपये के साथ इस पर खरीदारी कीजिए और 17.30 रुपये का स्टॉप लॉस बनाइए। इसके अलावा एक और स्टॉक, ये भी बैंकिंग स्टॉक है पर ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर ये स्टॉक जो है इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि सिटी ने इसमें रिपोर्ट जो है अपनी काफ़ी पॉजिटिव रखी है और उन्होंने भी लक्ष्य जो है वो अब 1860 के कर दिए हैं, 1694 की क्लोजिंग थी कल की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आ सकती है। और इनका जो AMC बिजनेस है और साथ साथ जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा है सिटी आगे आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं कोटक बैंक इस वजह से आज फोकस में रह सकता है। तो 1744 के लक्ष्य साथ आप इसमें भी खरीदारी कीजिए और 1677 का स्टॉप लॉस बनाइए। कैडिला में आज आपके तेजी देखने को मिल सकती है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं 264 रुपए के लक्ष्य के लिए, क्योंकि आज खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी जो अपनी दो इकाई बेचेगी एंटी इन्फेक्टिव और गायनोकोलॉजी वाली, जिससे करीब 1200 करोड़ मिलेंगे और इसका इस्तेमाल वो कर्ज भुगतान के लिए करेगी, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव खबर आ जाती है और इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आज आप 264 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 253 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ स्टॉक है HG इंफ्रा, यहाँ पर भी खबर का असर देखने को मिलेगा। आज के सत्र में करीब 522 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है हरियाणा में हाईवे के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो इसका भी एक असर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दे स्टॉक तो आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं होती तो आप यहाँ पर ट्रेड एंटर कर सकते हैं। 252 रुपये के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करनी होगी और 229 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। जी बिल्कुल आशीष, आप जैसे बात कर ही रहे थे कि फर्टिलाइजर स्पेस में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आई कल के सत्र में, तो उसी तर्ज पर मैंने SRF चुना है। यहाँ पर टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा साउंड दिख रहा है, इनफैक्ट अगर आप 52 वीक लेवल देखेंगे तो कल ये वो उसको भी पार करता हुआ नज़र आया था, तो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है कल के सत्र में भी 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था, आज भी जारी रह सकता है, तो इसी वजह से टेक्निकल आधार पर SRF आपको खरीद कर चलना है, 3519 का टारगेट रखना है और 3385 का स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो टेक्निकली साउंड लग रहा है वो है जुबिलेंट फूड, कल के सत्र में भी करीब आप देखेंगे 1.5-2% की तेजी इसमें बनती हुई नजर आई थी और अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे इसका
तो वो करीब 1650 रुपए का है। 1600 का भाव ऑलरेडी आपको दिख रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मोमेंटम जो अभी शुरू हुआ है, आज ये हो सकता है कि जो 52 वीक हाई है उसको भी ब्रीच करता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर इसी तर्ज पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 1645 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कीजिए और 1580 का स्टॉप लॉस बनाए। मेरी सूची में आखिरी और एकमात्र सेल साइड वाला स्टॉक है सनफार्मा। आज के सत्र में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक काफी वीकनेस दिखा रहा है। आप डेली चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा नजर आ रहा है कि स्टॉक ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है और कंटिन्यूस जब भी यहाँ पर अपमूव आता है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज बजार में आपको यहाँ से 2-2.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। 413 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी क्लोजिंग के बेसिस पर एडजस्ट करना होगा। 426 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, मेरा आज का आखिरी स्टॉक है राइट्स। यहाँ पर भी खरीदारी की राय है क्योंकि यहाँ पर आज बोर्ड बैठक है इंटरिम डिविडेंड पर, तो कहीं ना कहीं राइट्स जो है वो काफ़ी फोकस में इस वजह से रह सकता है। और कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे तो करीब 3% की तेज़ी इसमें बनती हुई नज़र आई थी, तो कहीं ना कहीं ये खबर को जो है काफ़ी मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है, तो इस पर आप खरीदारी करके चलिए। 300 का लक्ष्य रखिए और 287 का स्टॉप लॉस बनाइए। तो चलिए जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। मैंने आपको 9 स्टॉक्स खरीदारी के और 1 स्टॉक बिकवाली का बताया। शुरुआत की थी मैंने फर्टिलाइजर स्टॉक्स के साथ, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। मुझे लग रहा है आज के सत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिली कि मैंने चुना RCF, GSFC और GNFC में। साथ ही गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी आज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। 433 रुपए तक के स्टॉक जा सकता है। वोकार्ट में केवल 5 रुपए नीचे का आप एक स्टॉप लॉस लगाकर 260 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग का जो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है काफी बढ़िया नजर आ रहा है, यहाँ पर 72 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और कावेरी सीड की जो बायबैक की घोषणा हो रही है इसका भी असर देखने को मिलेगा। कैडिला कर्ज कम करने के लिए जो यूनिट्स बेच रही हैं इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एचजी इंफ्रा को 520 करोड़ का ऑर्डर मिला है जिसके चलते यहाँ पर तेजी एक्सपेक्टेड है। और सनफार्मा टेक्निकली वीक नजर आ रहा है। 413 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। चलिए, मेरे पहले जो दो स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं मैंने वो PSU बैंक्स हैं, SBI और कैनरा बैंक। OMO की खबर के साथ साथ इनका जो लाइफ इंश्योरेंस कारोबार है उसमें 30% की कैपिंग आ सकती है इनकी स्टेक में, तो बैंक्स को पैसे मिल सकते हैं, तो ये फोकस में रहेंगे। साथ ही अदानी पोर्ट्स में LIC ने अपनी हिस्सेदारी 2% तक बढ़ाई है, तो ये फोकस में रह सकता है। इसके अलावा HDFC AMC यहाँ पर भी पॉजिटिविटी आई है। सिटी ने रिपोर्ट जारी की है और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट AMC में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रह सकती है। इसके अलावा डिक्सन टेक में भी MK ने करीब 24% अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, तो ये फोकस में रह सकता है उसी तर्ज पर। इसके अलावा और जो स्टॉक्स मैंने आपको रेकमेंड किए हैं उसमें अलाहाबाद बैंक और कोटक बैंक भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, और साथ साथ SRF जुबिलेंट फूड, ये दोनों स्टॉक्स टेक्निकल आधार पर काफी अच्छे ब्रेकआउट लेवल्स पे दिख रहे हैं। और अंत में राइट्स, यहां पर इंटरिम डिविडेंड पर जो आज बोर्ड बैठक होनी है उस वजह से आज भी ये चल सकता है। तो चलिए, कुल मिलाकर हमने आपको 19 स्टॉक्स खरीदारी के और केवल 1 स्टॉक बिकवाली का बताया। उम्मीद है हमारे बताए गए स्टॉक्स आपके ट्रेडिंग सत्र में काम आएंगे।